हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी ओर से हैप्पी सैटरडे। फ्रेंड्स, तो आपको तो मालूम है मेरा डेली टाइम टेबल क्या है। मैं अच्छा से अपना ब्रेकफास्ट भी कर चुका हूँ, मतलब फ्रेश होकर अच्छी तरह से, और अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल में तो आज बहुत ज़्यादा ही काम है, क्योंकि परसों एग्जाम है ना। तो आई थिंक आज बहुत सारे पेरेंट्स आने वाले हैं, क्या मालूम आज क्या होने वाला है स्कूल में। थोड़ा हमें डर भी लगता है, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाने से मतलब प्रॉब्लम होता है ना। ऐसे ऐसे डर नहीं लगता है, मतलब खराब लगता है, बुरा लगता है सिंपली। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी जाता हूँ स्कूल, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे मेरे यूनिफॉर्म को आयरन भी करना है और मेरा बहुत सारा काम भी है। ओके फ्रेंड्स, वी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज स्कूल में इतनी भीड़ थी ना, मैं सुबह से मतलब एग्जाम पेपर में जो इन्विटेटर लोग को जो सिग्नेचर होता है ना, वो मैंने मारना चालू किया फ्रेंड्स। मतलब सुबह से ठीक 9:30 से पूरे ठीक 2:15 तक, देखिए टाइम अभी कितना हुआ है, 2:25, मतलब जस्ट मैं अभी आ रहा हूँ स्कूल से। सोचे हम लोग का हाथ मतलब रुकने का नाम नहीं, मतलब फटाफट मतलब लिखना। मैं नहीं, मेरे साथ और चार टीचर और भी थी, वो लोग भी पूरा सुबह से लेकर अभी तक पूरा बिजी। सो देखते हैं, हम इतना मेहनत करें बच्चों के लिए, तो बच्चे कितना मेहनत करते हैं उनके एग्जाम के लिए, तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ता है। ठीक है, पेरेंट्स तो करेंगे ही, एक्चुअली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स नहीं करेंगे तो जैसे हमारे बच्चों को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, देखना पड़ेगा ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद मिलता हूँ खाने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हर दिन लगती है यार, क्या करेंगे। ओके, मिलता हूँ, बाय। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा लंच है दाल और ये आलूदम। ये आलूदम की सब्जी कल की है दोस्तों, आज हम खा दे रहे हैं, मतलब फेंकना नहीं है ना, तो लक्ष्मी मम्मी फेंकने नहीं देती, देखिए जैसे वैसे ही है। ओके दोस्तों, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, लक्ष्मी की मम्मी ने मुझे शैम्पू और मैदा लाने के लिए कहा है। एक्चुअली शैम्पू तो नहाने के लिए, सर धोने के लिए है, और ये जो मैदा है, आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाएगी लक्ष्मी की मम्मी। सो घर पहुंच गया हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आज लक्ष्मी की मम्मी ने मुझे चीज व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। देखिए कितने ग्रिल किए हैं यहाँ पे, चीज है यहाँ पे सब,
देखे सब चीज है ये, और अंदर में है पास्ता, परम गरम पास्ता, और साथ में मुझे दिए हैं ये ओरिगेनो, ओरिगेनो का पे, और ये रेड चिली का ये दिए हैं पिकल्स, क्या पिकल्स बोल रहा हूँ सॉरी प्लस। तो ठीक है, मैं पहले इसके ऊपर मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर लेता हूँ। थोड़ा सा थोड़ा ओरिगेनो डाल देता हूँ मैं इसमें, अपना व्हाइट सॉस पास्ता खा लेता हूँ। पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है लक्ष्मी की मम्मी आज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही चीज की भी, गर्म गर्म है ना, एक्चुअली चीज के गर्म होने से अच्छा लगता है खाने के लिए। सो मैं इसको अच्छा से खाता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओह माय गॉड, कितना चीज देख रहे हैं इसमें, डिलीशियस, इतना टेस्ट है ना बता नहीं सकता। फ्रेंड्स मैं खाता हूँ फटाफट। और चीज के साथ फ्रेंड्स इतना अच्छा है ना, पैसा वसूल। फ्रेंड्स यहाँ लक्ष्मी भी खा रही है, इससे पूछता हूँ इससे कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है चीज वाला पास्ता, वो टेस्ट लग रहा है, पर गरम गरम चीज में कैसे लग रहा है बता, दिखा तो निकाल दिखा इसे। सो फ्रेंड्स आज हम लोग का डिनर तो फर्स्ट क्लास था, लक्ष्मी की मम्मी ने तो बेस्ट बनाया था, मायकुन पास्ता से जो व्हाइट सॉस पास्ता था, मेरा पैसा वसूल आज के लिए। हम एक दिन ये बहुत खुश हो जा रहा है, एक बार हम 9/11 जो बेकरी है वहाँ पे हम खाने गए थे ये वाला पास्ता, वहाँ पे जो फ्लेवर था ना एग्जैक्ट वही फ्लेवर था आज के हमारे पास्ता में, मेरा तो पर पैसा वसूल हो गया दोस्तों, अब मैं अच्छा सोने वाला हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ओके बाय एंड गुड नाइट।